के काफी बाहर फ्राइटेड गेंद थी और इसी तरह से गेंद विकेट कीपर के दस्तर में जाती भी। गेंद की लाइन में आकर बल्लेबाजी करने की जरूरत है। यह अच्छा शॉट है, बहुत खूबसूरती के साथ। पहला शॉट बहुत खराब था, यह सबसे बेहतर शॉट था। पहला रिवर्स भी है और इसी तरह से दो रनों का इजाफा। खाता खुलता हुआ, दो गेंद में दो रन, खाता खुलता हुआ बल्लेबाज। एक रन, एक ही रन मिलता हुआ इस एक रन के साथ, खाता खुलता हुआ टीम का। रन संख्या एक रन। एक बार फिर जो है अपने बोरिंग मार पर प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान पर अब डटे हुए हैं, अजय और उमर। यह अच्छा शॉट ऑन साइड पर का नरम हाथों से खेला है, दूसरे के लिए जरूर जाएंगे। बहुत ही बढ़िया रनिंग विद विकेट और दो रन मुकम्मल। दो रनों के साथ रन संख्या बढ़ती है 20, 3 रन। अच्छी सोच के साथ बल्लेबाज, ज्यादा बड़ा शॉट खेलने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं और वन शॉट। और आज देखिए, आज के दिन का ये पहला शॉर्ट रन है, इसका भी लेखा जोखा होगा क्योंकि हमारे साथ स्कोरर भी है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मनीष सिंह है, पाटिल सर है, संकेत भी खेलते हैं। तो इसी तरह से लॉन्ग ऑन है मिड विकेट पर खिलाड़ी। इस ओवर की अगली गेंद गेंदबाजी करने के लिए तैयार, तेज कदमों के साथ डिपॉजिट खेलने की कोशिश अपील कर रहे हैं, लेकिन उत्साह ज्यादा था। और इसी तरह से अंपायर की तरफ से नॉट आउट का इशारा। रन संख्या अब देखिए दो रन बगैर किसी नुकसान के। संकेत हमारे साथ जुड़ेंगे। संकेत जी आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। धीमी शुरुआत, जोएब अगली गेंद लेकर फ्लाइटेड डिलीवरी, ऑन साइड में पुल किया ऑन और तेजी से एक रन और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन का इजाफा। पुश किया था ऑन साइड में और दो रन लेने में कामयाब, स्कोर आगे बढ़ता हुआ चार रन। ये पहला ओवर संकेत जारी है और रन संख्या चार रन बगैर किसी नुकसान के। और अच्छी सोच, आज देखिए ज्यादा बड़े शॉट खेलने के लिए नहीं जा रहे, सिंगल के ऊपर निर्भर है क्योंकि छह ओवर का मैच, वही बात है सिंगल के लिए। और अब देखिए खेल बदलता हुआ दूसरे के लिए आना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं, थ्रो गलत एंड पर गलत एंड पर थ्रो है। सोहेल वही बता रहे कि आपको नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ जाना था, स्ट्राइकर इनकी तरफ थ्रो। तो इसी तरह से छोटी छोटी गलतियां हो रही है, लेकिन इससे तकलीफ हो सकती है। पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या छह रन बगैर किसी नुकसान के। गाने के साथ वापस आते हैं। तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं थोड़ा, और बहुत जरूरी है क्योंकि कल क्या हुआ था, जो मैच हुआ था बहुत ही अच्छा था, शानदार मैच था। और हमने स्टार्ट किया था तब एक हैट्रिक बनी थी, प्रमेय ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, पांच विकेट चटकाए और कल एक पहला कीर्तिमान बना था, वो था प्रमेय के नाम पर। गुलशन नगर की टीम ने ये जो कि पहला कीर्तिमान बनाया था, पिछले साल की विनर टीम है। गेंदबाजी में अब परिवर्तन, दूसरे जो कि हैट्रिक के हकदार अशरफ, दो हैट्रिक हुई थी कल, लगभग तीसरा भी बना था लेकिन विकेट कीपर ने कैच छोड़ा था। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, सुलेमान उठाकर बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन अंपायर की तरफ से इशारा देखेंगे और दो रन मिलते हुए लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, इस बार हाथ खोलने का मौका मिला। जब पैड पर गेंदबाजी होती है तो मौका मिलता है बल्लेबाजों को। ये अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद, टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के आसपास, वहां से गेंद हरकत करती हुई और गेंदबाज को बरकत मिलती हुई। गेंद विकेट कीपर के दस्तर में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। रन संख्या आठ रन बगैर किसी नुकसान के।
बहुत ही बढ़िया, ये लाइन परेशान करेगी क्योंकि बल्लेबाज देखिए वही शॉट खेल रहा है जो पहला जिन्होंने स्टार्ट देखिए ऑन साइड पर ज्यादा खेलने की कोशिश की है। वही बात हवा में उठा करके ले है, डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद जाती भीम ऑन साइड पर रन बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। ये बेहतर शॉट था बल्ले के बीचों बीच डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जाती भी दो रनों का इजाफा, दो रनों के साथ रन संख्या बढ़ती भी कुल मिलाकर अब 10 रन। इस बार ऑन साइड पर अच्छा शॉट और एक रन जुड़ता हुआ, दूसरा ओवर बहुत ही अच्छा करता हुआ जिसमें कि रन भी बने हैं, कुछ अच्छी गेंदबाजी हमने देखी है। रन संख्या 11 रन बगैर किसी नुकसान के। ऑफ साइड पर देखिए बैकवर्ड पॉइंट कवर है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। ऑफ साइड पर चार खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर और बैकवर्ड पॉइंट पर दो खिलाड़ी है। अब देखिए राइट हैंडेड बल्लेबाज है तो ऑन साइड पर स्क्वेयर लेग, डीप स्क्वेयर लेग, मिड विकेट, एक कव कॉर्नर और एक लॉन्ग ऑन, तो ये पांच खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। ऑफ साइड पर अब चार खिलाड़ी है। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सुल्तान द्वारा, लेफ्ट सुलेमान द्वारा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ये गेंद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ कलाइट के साथ मोड़ दिया था, फाइनल क्षेत्र की तरफ नरम हाथों से खेलते हुए। कल का जो खेल था वो अलग था, आज का खेल बहुत ही अच्छा, आज का खेल अलग है, सोच बदली है, सोच को बदलो नजारे बदल जाएंगे। दो ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 12 गेंदों में 12 रन बगैर किसी नुकसान के। गाने के साथ चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू डीजे समत, एक बार फिर अपने बोलिंग मार पर तैयार। ये तीसरा ओवर है, उमर और अजय प्रारंभिक बल्लेबाज, बैकवर्ड पॉइंट कवर है, एक एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ साइड पर चार खिलाड़ी तैनात, राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत बढ़िया गेंद ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन गेंद विकेट कीपर के दस्तर में जाती हुई। अच्छी अंपायरिंग देखी है कल को, जैसे कि कल क्लोज कॉल थे रनआउट के बारे में मैंने देखा, लेग बिफोर के बारे में मैंने देखा, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग खास करके मारुति शेट्टी, उसके बाद में अगर देखें तो बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की थी केपी शर्मा, आज अजिम शेख जुड़े हैं। स्क्वायर लेग की तरफ गेंद तेजी के साथ ट्रैवल, खिलाड़ी मौजूद प्रवीण जाधव, प्रकाश रजब और अरुण तावड़े, इन्होंने बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की थी। प्रवीण जाधव उठा कर खेले हवा में गेंद और ओ छोड़ दिया, ये तो मौका था। जगलर बंदी पे स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी और ये आसान क्या जेब ने क्या छोड़ा है, ये प्रैक्टिस कैच था, पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैच। छोटे वर्जन के खेल में कैचेस बहुत महत्वपूर्ण है। ये खराब गेंद है और ऑफ टर्म के काफी बाहर, मारुति शेट्टे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों तरफ से अगर देखें, एक तरफ मारुति शेट्टे दूसरी तरफ से प्रवीण हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और वाइट का इशारा। 16 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। पहले विकेट के लिए बहुत ही अच्छी साझेदारी पनपती भी, ये अच्छा शॉट ऑफ टर्म के थोड़ा सा बाहर चले गए थे, शफल होकर ऑन साइड पर खेले, ओ खराब फील्डिंग, दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं और दो रन मुकम्मल, तीसरे के लिए जाना चाहते हैं। इस बार ये क्या कर रहे हैं, और ये तीन रन मुकम्मल, गेंद हाथ में नहीं है, साफ दिखाई दिया। तीन रन मुकम्मल होते हुए रन तो तेजी के साथ बन रहे हैं, फील्डिंग बहुत ही खराब हो रही है, इसका फायदा दोनों तरफ से उठाते हुए खिलाड़ी, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। रन संख्या अब 19 रन बगैर किसी नुकसान के, 19 फॉर लॉस, 19 रन बगैर किसी नुकसान के। तो इस वक्त थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे प्रवीण, देखते हैं क्या होता है। ये तो गेंद हाथ में नहीं थी, गेंद के हाथ में थी,
तो टिक टिक जारी है थर्ड अंपायर और नॉट आउट का अंपायर ने नॉट आउट है तो यहां से साफ दिखाई दे रहा था जिस तरह से क्योंकि गेंद जब हाथ में आई थी तो अच्छी तरह से गैदर नहीं कर पाए थे तो पहले हाथ लगा था स्टंप को गेंद तो बाहर निकल गई थी तो ये हाथ में होना बहुत जरूरी है। अच्छी अंपायरिंग है कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते ये भी अच्छी बात है क्योंकि रन संख्या अब देखिए 19 रन बैकवर्ड पॉइंट कवर है एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ साइड पर चार खिलाड़ी तैनात लॉन्ग ऑन है मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद काउ कॉर्नर और स्क्वायर लेग ऑन साइड पर चार खिलाड़ी है और हवा में गेंद दूसरे के लिए वापस जाएंगे और इसी तरह से दो रन मुकम्मल बहुत ही बढ़िया रनिंग मिड विकेट। अच्छी आज देखिए संकेत खेल बदला है सोच बदली आज बड़े शॉट के लिए नहीं जा रहे हैं जब रडार में गेंद आ रही है तब जाकर वन शॉट सुबह से क्या हो रहा है कुछ समझ भी नहीं आ रहा ये दूसरी बार मैं देख रहा हूँ अच्छे तरह से भागना होगा और अंपायर का तो ध्यान है लेकिन अब जो कि दिमाग की बत्ती को जलाने की जरूरत है दो बार हुआ ये सर आज सैटरडे सैटरडे ऑफिसेस हाफ डे बिल्कुल तो रन्स भी हाफ होने चाहिए लेकिन इससे काम नहीं बनेगा खास करके मेरे हिसाब से पहला रन तेजी से दौड़कर कंप्लीट किया इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए 22 अभी तक विकेट लेने में नाकामयाब थैंक यू डीजे चौथा ओवर लेकर सोहेल अपने टीम के लिए लास्ट मैच सेकेंड लास्ट ओवर काफी बेहतर गेंदबाजी करके अपने टीम को मैच में बनाए रखा मगर उनके प्रयास लास्ट ओवर में असफल रहे बट काफी प्रभावशील गेंदबाज है ये अब तक 22 रन बगैर किसी नुकसान के सोहेल फुल टॉस गेंद अब देखना है कैच होता और ये हॉरिबल फील्डिंग का नजारा तेजी से भागकर दो रन पूरे किए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जोएब अगली गेंद अच्छी गेंद और ये आउट विकेट पे जाते टकराने वाली गेंद आज के दिन का पहला LBW और टूर्नामेंट का दूसरा LBW अच्छी गेंदबाजी सोहेल की विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं अच्छी गेंदबाजी सोहेल की संकेत देखिए इनके पास वो काबिलियत है क्षमता है लेकिन दूसरी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है खास करके गेंदबाजी की अगर बात करें फील्डिंग करने वाली टीम की अगर बात करें तो कप्तान जो है राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये लेग स्टंप के बाहर एक बार फिर ब्रॉक ओवर में गेंदबाजी करने की कोशिश और वाइड का इशारा होता बम अगली गेंद लेकर सोहेल अच्छा शॉट मिड ऑन की ओर गेंदबाज में काबिलियत है मगर अभी आज एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे दो वाइट फेंक चुके अब तक स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 27
अगली गेंद लेकर सोहेल, स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 28, दो विकेट के नुकसान पर, अभी भी दो गेंदें बाकी इस ओवर की। स्ट्राइक पे स्वप्निल, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ओवर द विकेट सोहेल, अच्छा शॉट मगर ये हाथ में, अच्छी कैच सुफियान की, बेहतर गेंदबाजी आगे कर रहे बैट्समैन को और ये तीसरा विकेट का पतन। थैंक यू डीजे, दो विकेट, तीन विकेट इस ओवर में अब तक के सफल गेंदबाज सोहेल ने ये मैच में वापसी की अपनी टीम की। अगली गेंद लेकर सोहेल, फुल टॉस गेंद, हल्के हाथों से खेल दिया ऑन साइड में, अर्सनल ने, और एक रन का इजाफा, स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 29 रन्स फॉर द लॉस ऑफ थ्री विकेट तीन ओवर के, चार ओवर के समाप्ति पर। थैंक यू डीजे, फील्डिंग टीम थोड़ा ध्यान रखे, 8 मिनट बाकी है और आपको दो ओवर कंप्लीट करना है। समद, अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी हुई गेंद, ड्राइव करना चाहते थे, थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद कीपर के दस्तानों में और ये डॉट बॉल, अच्छी शुरुआत समद की अपने टीम के लिए। और अच्छी गेंद, मिडल स्टंप, क्लीन बोल्ड, बढ़िया गेंदबाजी समद की। थैंक यू डीजे, बैट का इनर एज लगते हुए स्टंप पे जाके टकराई, बैट्समैन जल्दी आएंगे, थोड़ा कॉपरेट करेंगे। अच्छी गेंदबाजी समद की, बैट्समैन आए अपने टीम का दारोमदार संभाल ले, जावेद, जावेद अंसारी। समद अपनी तीसरी गेंद लेकर अब तक की अच्छी गेंदबाज, वक्त बीता जा रहा है उसका ध्यान रखे फील्डिंग टीम। समद तीसरी गेंद लेकर, पहली डॉट, दूसरी विकेट, देखते हैं तीसरे गेंद पे क्या करते समद। अर्सनल ऑन साइड में खेलना चाहते थे, जावेद इनर एज लग के मिड विकेट के दिशा में बॉल गई, अच्छी गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी, अब तक तीन गेंदें हुई है, तीन गेंद पे सिर्फ एक रन आया है। अगली गेंद लेकर अस्नाल, समद ऑफ स्टंप के काफी बार और ये वाइट का इशारा अंपायर का, विकेट पे गेंदबाजी करने की जरूरत समद। अच्छा शॉट जुनेद का, मिड विकेट दिशा में खेल दिया और उतनी अच्छी फील्डिंग, दूसरा रन लेना चाहते थे, अच्छा थ्रो अकीब का। दो गेंदें बाकी अभी तक, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32, चार विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर समद,
अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे, ऑफ स्टंप चुकाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल और इस ओवर का आखिरी बॉल समर लेके बटर शॉट, मॉर्निंग का पहला सिक्सर मिड विकेट दिशा में। थैंक यू डीजे, अगेंस्ट द विंड, अच्छा शॉट। दोनों भाइयों ने अपने कंधों पर अपने टीम का दारोमदार लिया है, जैसे मार्क वो स्टीव वो, जैसे ग्रैंड फ्लावर एंडी फ्लावर, वैसे ही अपनी टीम के लिए जावेद और जुनेद। आखिरी गेंद लेकर, आखिरी ओवर लेकर सोहेल, ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी हुई गेंद, एलबी की अपील, अंपायर नकारते हुए, लेग बाइस का इशारा अंपायर का, स्कोरबोर्ड आगे बढ़ते हुए 39 फॉर द लॉस ऑफ फोर विकेट। पांच गेंद अभी भी बाकी, जावेद ऑन स्ट्राइक, सोहेल अगली गेंद लेकर, अच्छा शॉट, अब देखना है क्लियर कर पाते कि नहीं, और अच्छी कैच समत की, बेहतरीन कैच और अच्छा प्रयास जावेद का, अच्छी गेंदबाजी, नपी दुली गेंदबाजी कर रहे हैं सोहेल अपनी टीम के लिए, और उतनी बेहतर फील्डिंग समत की। थैंक यू डीजे, श्री कृष्ण बैटिंग पे, स्ट्राइक पे जुनेद, स्क्वायर लेग दिशा में खेल दिया, उतनी अच्छी फील्डिंग, एक रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40, पांच विकेट के नुकसान पर। अभी भी तीन गेंदे बाकी, और ये सटीक गेंदबाजी ऑफ स्टंप के लाइन पर, अतिरिक्त उछाल बॉलर को, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, एक रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ते हुए 41। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, अंपायर का वाइट का इशारा, स्कोर आगे बढ़ते हुए 42। अच्छा शॉट, अब देखना है, और ये ड्रॉप, खराब थ्रो, और उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तीन रन पूरे किए, चौथे रन का प्रयास, और ये रन आउट। श्री कृष्ण छठे विकेट का पतन, श्री कृष्ण आउट। आकीब का अच्छा थ्रो, थैंक यू डीजे, अनीस आए अपनी टीम की ओर से बैटिंग करने के लिए, स्ट्राइक पे अनीस, बॉलिंग पे सोहेल, आखिरी गेंद लेकर मिड ऑन की दिशा में खेल दिया है, और ये खराब फील्डिंग और उतनी अच्छी रनिंग, और ये सातवें विकेट का भी पतन, दो रन पूरे करने में कामयाब। फोर्टी
सेवन रन बनाया है। टाइम चेक, टाइम चेक, टाइम। ग्राउंड में स्टंप, स्टंप के लिए थोड़ा पानी दीजिए सर। टाइमिंग सही है सर। ऑन टाइम, ऑन टाइम। United Welfare Education Federation present United Jogeshwari Premier League season 2 Grand Cup Cup powered by Chengiz Multani. वेलकम बैक, एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत। बल्लेबाज भेजिए, बल्लेबाज भेजिए, वक्त बहुत कम है। ये मैच जो इनिंग थी बहुत ही अच्छी तरह से समाप्त हुई है। और फील्डिंग सजाए प्लीज। सैतालीस अड़तालीस का टारगेट है लक्ष्य की अगर बात करें तो 48। और बहुत महत्वपूर्ण ये मुकाबला रहेगा। थोड़ी फील्डिंग हॉरिबल रही इस मैच में अगर देखें तो, और कैच छूटे, थ्रो अच्छे नहीं हुए, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन स्टार्ट की अगर बात करें तो शुरू में हमने शॉर्ट रन भी देखे तो सब कुछ जो हुआ थोड़ा सा मेरे हिसाब से इस पहले मैच में हॉरिबल था। फील्डिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट और गेंदबाजों ने थोड़ी लेग स्टंप के बाहर भी गेंदबाजी की, ब्रॉकलर में गेंदबाजी करने का प्रयास किया, उस वक्त भटके थे बल्लेबाज बीच मैदान पर आते हुए। बैट्समैन के लिए विनती है, आप तैयार है, अगर एक बल्लेबाज आउट होता है तो दूसरा बल्लेबाज तैयार होना चाहिए, वक्त ना गवाए। और फील्डिंग करने वाली टीम के लिए एक बार फिर वो 30 मिनट का समय दिया गया है। और पहले अगर मैच की बात करें, पहले पारी की अगर बात करें तो माहौल इतना अच्छा नहीं बना जो क्रिकेट के लिए होना चाहिए था, लेकिन बन सकता है। बल्लेबाजों की सोच अच्छी थी इस मैच में, बाकी ज्यादा हड़बड़ाहट हमने देखी। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन है, काउ कॉर्नर मिड विकेट, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग की तरफ, फाइन लेग नहीं है लेकिन एक खिलाड़ी है सर्किल के अंदर जो थोड़ा सा फाइन लेग की तरफ, थोड़ा स्क्वायर लेग की तरफ है। बैकवर्ड पॉइंट कवर पर खिलाड़ी है, स्टक कवर लॉन्ग ऑन। मैच शुरू होता हुआ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे अजलान, गेंदबाजी करेंगे और प्रारंभिक बल्लेबाज मॉरिस शहबाज, मॉरिस स्ट्राइकर इन पर। इस बार थोड़ी सी मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद, खिलाड़ी मौजूद है फाइन लेग पर और इसी तरह से एक रन का इजाफा, खाता खुलता हुआ। जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है तो सेंसिबल क्रिकेट, बुद्धिमानी वाली क्रिकेट खेलने की जरूरत है इस मैच को बनाने के लिए। अजलान की इस ओवर की दूसरी गेंद, गेंदबाजी करने इसी असलान ने कल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अब ब्रेक लेग ब्रेक बहुत ही अच्छा करते हैं मिश्रण, अब देखते हैं इस मैच में क्या होता है। ये शॉट सीधी गेंद थी, ऑन साइड पर बहुत खूबसूरती के साथ खेले, खिलाड़ी थोड़ा फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन 2 रन मुकम्मल, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, रन संख्या 3 रन। अमृत की अगर बात करें तो 3 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर, टाइगर ने 48 रनों का टारगेट दिया है और इस वक्त 3 रन बने हैं, कोई विकेट नहीं गिरा है। बैकवर्ड पॉइंट कवर है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट अप ओवर द विकेट, ये हवा में खेलने की कोशिश लेकिन शरीर से दूर थी। इनके पास असलान के पास वो क्षमता है तो दोनों तरफ मुंह करने की कोशिश करते हैं और इनके पास कंट्रोल भी है। स्टार्ट देखिए थोड़ा लेग स्टंप से किया, अब थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ आ रहे हैं। रन संख्या 4 रन बगैर किसी नुकसान के, जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है। बैकवर्ड पॉइंट कवर है, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, ड्राइव करने का प्रयास लेकिन पूरी तरह से आगे नहीं आए थे। सुंदर गेंदबाजी असलान द्वारा, रन संख्या अब 6 रन और लोएस की अगर बात करें तो 27
माइटी का था और 34 रन बहुत ही अच्छी पारी खेली थी मुद्दू ने और गौरव ने काल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया 34 रन बनाए थे। ये हाई स्कोर इंडिविजुअल रन संख्या कुल मिलाकर अब 8 रन। ये जानकारी चौका से आई है चंदन हमारे स्कोरर और सिंह लॉकर की तरफ गेंद जाते हुए खिलाड़ी मौजूद एक रन का इजाफा इसे एक रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई अब 9 रन बगैर किसी नुकसान के जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है। बैकवर्ड पॉइंट कवर है एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात अखिलेश की बहुत ही बढ़िया गेंद अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को ड्राइव करने का प्रयास गेंद विकेट कीपर के दस्तान में ये दूसरी बिंदी गेंद आती हुई 9 पर लॉस एक साझेदारी तो बन रही है लेकिन अब थोड़ी तेजी लाना बहुत जरूरी है तेजी लाएंगे तो मैच में एक बार फिर मजा आएगा। फुल टॉस गेंद थी अच्छा शॉट खिलाड़ी मौजूद एक ही रन मिलेगा सुंदर फील्डिंग स्क्वेयर लेग की तरफ रन संख्या अब डबल फिगर में पहुंचती है 10 रन 48 रनों की जरूरत है तो एक साझेदारी की भी जरूरत है लेकिन अब गियर चेंज करने की भी जरूरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट ये अच्छा शॉट हवा में क्या गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाएगी दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट व्हाट अ शॉट क्या टाइमिंग है लॉन्ग ऑन के ऊपर से बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर का स्वागत होता हुआ दैट्स द ब्यूटीफुल शॉट देखिए किस तरह से छक्का आया कोई मौका नहीं था खिलाड़ी इस गेंद को देखते रहे और गेंद बॉडी लाइन के पार जाती भी दैट्स द ब्यूटीफुल शॉट। इयान चापल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला छक्का लगाया था 1971 में और आज देखिए इस मैच में ये सबसे बेहतरीन खूबसूरत दर्शनीय स्ट्रोक था मजा आया देखने के बाद। तीसरी बिंदी गेंद आती भी रन संख्या कुल मिलाकर अब देखिए बढ़वा में लेकिन ये कैच हो सकता है लपक लिया गॉन पहले विकेट का बदन अलग तो कारपेट खेलने की जरूरत है इस बार बड़ा शॉट खेला और इसी तरह से पहला झटका लगता हुआ विकेट गिरता हुआ देखिए किस तरह से इस बार गेंद के पीछे तक नहीं थे अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को खेलने का प्रयास और शरीर से दूर खेले गेंद बहुत ही अच्छी तरह से इस बार कैच लिया जावेद ने गाने के साथ चर्चा जारी रहेगी रन संख्या 16 रन एक विकेट के नुकसान पर दो ओवर के बाद रन संख्या 16 रन 16 फॉर लॉस ऑफ वन विकेट 48 रनों की जरूरत है इस बार छक्का आया था तो सिंगल लेने की जरूरत है जब बड़ा शॉट आता है तो उसके बाद में और बड़ा शॉट खेलने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑल ग्रेटर्स आर नॉट गुड हर गेंद जो चमकने वाली होती है वो सोना नहीं होती और हर गेंद छक्के के लिए नहीं होती तो आपको थोड़ा रुक कर खेलने की जरूरत थी। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आते हुए मोहसिन एक बार फिर ये कॉन्टेस्ट बनेगी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मोहसिन आए हैं विराट कोहली का नंबर है राहुल द्रविड़ का नंबर है रिकी पॉन्टिंग का नंबर है इस नंबर पर परिपक्व बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है मतलब संकट मोचक की जरूरत होती है और अच्छा फिनिशर होना चाहिए। लॉन्ग ऑफ आजकल अगर देखिए तो भारत के लिए महेंद्र सिंह धोनी इससे पहले माइकल बेबन ने इनका जो एवरेज था वो बहुत बड़ा था 52 का था तो जिस तरह से वो रन बनाते थे उसी तरह की एक पारी खेलने की जरूरत है। बहुत अच्छा शॉट ऑफ स्टंप के बाहर इस बार आखिरी वक्त देखा एक रन तो जरूर मिलेगा और अंपायर की तरफ से इशारा इसी तरह से एक ही रन मिलेगा इसी एक रन के साथ रन संख्या 17 रन अच्छा शॉट था ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा टप्पा खिलाया बैकफुट पर चले गए गेंद को देखा और ज्यादा ताकत नहीं लगाई टाइमिंग के ऊपर निर्भर थे 17 पर लॉस ऑफ वन विकेट एंड नाउ थर्ड वन प्रोग्रेस तीसरे ओवर का खेल जारी है इस ओवर की 5 गेंदें शेष अस्लन एक बार फिर और वाइट का इशारा जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है 8 रन बने हैं तीसरा ओवर प्रगति में मतलब मैच अच्छा है अभी तक अगर देखें तो 950 रन इस टूर्नामेंट में बने हैं ये आंकड़ा हमने पार किया तो लगभग आज मतलब 2-3 मैचों में हम 1000 की तरफ पहुंचेंगे और दूसरा पड़ाव रहेगा 2000 का ये अच्छी जानकारी इस ऊपर की अगली गेंद उठाकर के लिए हवा में खिलाड़ी मौजूद है थोड़ा फिसले हैं और कैच लिया
अजय ने बहुत अच्छा कैच लिया, विकेट का पतन होता हुआ, दूसरे विकेट का पतन। मोहसिन डिपार्ट, न्यू बैट्समैन इन सोहेल, चौथे नंबर पर आया भारत के लिए संकेत। इस नंबर के लिए 11 खिलाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है, ये भी बहुत बड़े, खास करके अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज जो इनफॉर्म है, इनको ज्यादा मौका नहीं, नए खिलाड़ियों को मौका 2019 की तरफ जाने की कोशिश है। सोच अच्छी है लेकिन थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि 11 बल्लेबाज इस जगह पर खेले हैं तो ये थोड़ी तकलीफ वाली बात है। बैकवर्ड पॉइंट, ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। अशरफ गेंदबाजी करने के लिए तैयार, फ्रंट फुट पर ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन गेंद कवर की तरफ जानी चाहिए थी, गेंद जाते भी इस वक्त मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, मतलब बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी है। असनान बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आदि की कल का जादू नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बल्लेबाज आखिर तक गेंद को देख रहे हैं, या अगर फ्लाइटेड गेंद होती है तो आगे भी आ रहे हैं, तो इसीलिए इनका जादू अब नहीं हो रहा है। थोड़ा भी पीछे खेलेंगे तो परेशानी होगी। ये देखिए आउटम के बाहर गेंद, अगेन द स्विंग के लिए गेंद विकेट कीपर के तरफ, तो गेंद की तरफ जाइए, ये गेंद अगर कवर की तरफ ड्राइव करते तो लगती, अगर अगेन द स्विंग खेलेंगे तो परेशानी। चौथी बिंदी गेंद आती भी, गेंदों की अगर बात करें तो अभी भी दो गेंदों का खेल शेष। बैकवर्ड पॉइंट, कवर एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ, दो गेंदें शेष इस ओवर की, 20 गेंदों का खेल भी शेष है और 29 रनों की, अभी भी फासला तो इतना बड़ा नहीं है, 9 का फासला है तो रन बन सकते हैं, लेकिन विकेट पर डटे रहे, स्कोरबोर्ड को चलाते रहे, मैच बनेगा, सोच को अच्छा रखने की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर गेंदबाज तैयार, कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, ओ अच्छी गेंद, ऑफस्टंप के बाहर रन लेने का प्रयास, लेकिन एक बार फिर मना किया नॉन स्ट्राइकर इन के बल्लेबाज ने, नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज अभी भी डटे हुए है शाहबाज। ये पांचवी बिंदी गेंद आ रही है, जितनी बिंदी गेंदी आएगी उतनी तकलीफ होगी, मतलब पहली गेंद को आपको फ्रंट फुट पर खेलना है। इस ऊपर की अगली गेंद, ये अच्छा शॉट है, बहुत ही अच्छा, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, गेंद तेजी के सेटअप, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए आना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिंदु, देख सीधे बल्ले से खेले तो क्या फायदा हुआ, क्रॉस बैट से खेले तो ज्यादा रन नहीं बने, सीधे बल्ले से ज्यादा ताकत नहीं लगाई, टाइमिंग के ऊपर निर्भर थे। रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर अब 21 रन, जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है। एक गाने के साथ चर्चा जारी रहेगी। गेंदे और 27 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। अभी भी जो फासला है वो ज्यादा नहीं, एक शॉट का फासला है, बन सकते हैं। सोहेल को एक बेहतरीन क्रिकेट खेलने की जरूरत है और कल इस छोटे कद के खिलाड़ी ने क्या कमाल की गेंदबाजी की, रिंग को आए हैं। अब देखिए मेरे हिसाब से राउंड द विकेट करेंगे या ओवर द विकेट देखने वाली बात है, समय ना ज्यादा गवाए, प्लीज मैच की तरफ जाना है। बैकवर्ड पॉइंट, कवर है, एक एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ, 18 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। रिंकू गेंदबाजी करेंगे, सामने बल्लेबाज शाहबाज, नॉन स्ट्राइकर इन पर सोहेल है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, मिड विकेट है, स्क्वायर लेग है, ऑन साइड पर चार खिलाड़ी, बाउंड्री लाइन पर काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, ऑन साइड पर खेलते हुए खेल जाते हुए मिड विकेट पर, 17 गेंदों का खेल बचा हुआ, 26 रनों की जरूरत है। बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, कवर है, इस तक कवर लॉन्ग ऑफ, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, ऑन साइड पर पांच खिलाड़ी है। रिंकू एक बार फिर तैयार, सामने है सोहेल, एक बहुत बड़ा बैटल बनेगा, 17 गेंदे, 26 रनों की जरूरत, अच्छे तादाद में दर्शक मौजूद इस मैच का मजा लेते हुए। आज के दिन का ये पहला मुकाबला, इसके बाद में दूसरे मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार है। कवर का खिलाड़ी अब सर्कल के अंदर आता हुआ, थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश, 17 गेंदे, 26 रनों की जरूरत, राइट टर्म ओवर द विकेट, तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया, अच्छा शॉट, एक बार फिर ऑन साइड पर खेले, गेंद तेजी के साथ ट्रैवल, एक ही रन मिलेगा, दूसरे के लिए आना चाहते लेकिन सोहेल ने मना किया है। 16 गेंदे, 25 रनों की जरूरत है। अब दोनों तरफ से तालियां जो कि ज्यादा नहीं बज रही है, लेकिन अच्छा मैच होता हुआ। रन संख्या देखिए, जीतने के लिए 16 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है, 48 का टारगेट। बैकवर्ड पॉइंट, कवर इस तरह का बना लॉन्ग ऑफ, राइट टर्म ओवर द विकेट, ये खराब शॉट, कवर की तरफ खेलने थे, ऑन साइड पर इस बार क्रॉस बैट से खेलने की कोशिश, और ये छठी गेंद जो कि डॉट आती हुई,
बिंदी गेंद, 15 गेंदे और जीतने के लिए 25, 10 का फासला बनता हुआ। सुंदर गेंदबाजी रिंकू द्वारा, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। राइट टॉप ओवर द विकेट ये गेम, ये अच्छा शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए नहीं आएंगे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 14 गेंदे और 24 रनों के द्वारा भी 10 का फासला है। जब सीधे उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है इस वक्त, जब सीधे जो कि बल्ले से रन बन रहे हैं। लेकिन एक बड़े शॉट की भी जरूरत है। एक बार फिर वो अदनान का, अदनान जी का गाना मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो। यहाँ उठा के जरूर खेले, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, गॉन। शॉट तो अच्छा था, एलिवेशन कम हुआ, फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से नहीं खेल पाए। और सोहेल दीपान, कम ऑन डीजे, जुनियर ने बहुत ही अच्छा कैच लिया। नए बल्लेबाज आकीब, 13 गेंदों का खेल बचा, 13 गेंदों पे जीतने के लिए अभी भी 24 रनों की जरूरत है। दबाव बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ। सुंदर गेंदबाजी रिंकू द्वारा, ये फुल टॉस थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए सोहेल। अच्छे खिलाड़ी मैं जानता हूं, लेकिन जो गेंद है, इस गेंद से हमने बड़े छक्के नहीं देखे, खास करके ऑन साइड पर, मिड विकेट पर तो छक्के लगे हैं। एक बॉलर के सर के ऊपर से भी छक्का आज के दिन का बहुत अच्छा छक्का था। रिंकू बहुत सुंदर गेंदबाजी कर रहे, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये वही शॉट है, हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद और इसी तरह से लपक लिया, लगातार दूसरा झटका। बारह गेंदे, 24 रनों की जरूरत। रिंकू बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, लगातार दो झटके लगे, हैट्रिक का मौका है, लेकिन क्या आखिरी ओवर डालेंगे सवाल है। चलते हैं गाने की तरफ, कमांड डीजे, चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू डीजे। अमृत वैशाली का स्कोर अब 24 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। आकिब स्ट्राइक रेंज पर, नॉन स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज इस वक्त डटे हुए है। आकिब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, जाफर गेंदबाजी करेंगे। अब 12 गेंदों का खेल शेष है और 24 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। और इस बार ऑफ टर्म के बाहर गेंद, खराब शॉट सिलेक्शन, इतनी बाहर गेंद है और इसको ऑन साइड पर लपेटने का प्रयास। ये सातवीं बिंदी गेंद आ रही है, ये खल रही है, जिस तरह से ये सातवीं बिंदी गेंद आ रही है इससे परेशानी। अगर ये गेंद बल्ले को लगती तो 7 रन बनते बहुत। एक बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, वाइड का इशारा। 11 गेंदे और जीतने के लिए अभी भी 23 रनों की जरूरत। बिंदी गेंद का मतलब क्या है इससे आपको परेशानी होगी, सामने वाले को मौका मिलेगा। बैकवर्ड पॉइंट कवर है, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। 11 गेंदे, 23 रनों की जरूरत है। ये अच्छा है, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का, व्हाट अ शॉट। थैंक यू डीजे। तो ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, इनके रडार में गेंद आएगी तो ये छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने कल एक सवाल पूछा था, ये क्रिकेट का खेल अगर एक जंगल है तो इस जंगल का शेर कौन है, तो शेर का पता लग रहा है या नहीं? अब तो समय जैसे जैसे ये आगे बीतेगा तो पता चलेगा कि कौन शेर है। ये बहुत अच्छा शॉट, क्या मैच में वापसी हुई है, क्या वापसी का बिगुल बजा है, देखने वाली बात। ये इस बार फिर वही शॉट खेलने की कोशिश, एक रन तो जरूर मिलेगा, इसी एक रन के साथ रन संख्या जरूर बढ़ती हुई। बहुत मजा आता हुआ, शानदार रन संख्या, कुल मिलाकर 32 रन और जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है। गेंदों की अगर बात करें तो गेंदे अभी भी 3, मतलब अभी भी 9 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है, 9 गेंदे 16 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। इस एक छक्के ने मैच में एक बार फिर रोमांच बढ़ता हुआ।
मजा आएगा कमबैक करने का मौका। क्या पलटवार किया है, क्या वापसी हुई है, क्या वापसी का बिगुल बजाया है बल्लेबाज ने। खास करके नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज रडार में रहेंगे। आकिब लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, ये खराब शॉट, सिंगल लेना बहुत जरूरी था और इसी तरह से विकेट गिरता पर रोल को भूल गए, किरदार को भूल गए, इसलिए ये पैवल में जाएंगे, तालियां बजाने का मौका मिलेगा। 8 गेंदे और 16 रनों की जरूरत है। देखिए विकेट किस तरह से गिरा है और शरीर से दूर खेले, सिंगल के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत थी। एक एंड पर आकिब है तो इसी तरह से विकेट गिरता हुआ। कम ऑन डीजे, थैंक यू डीजे। 8 गेंदों का खेल बचा हुआ और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज सुकियान नॉन स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज आकिब है। देखिए ये बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको मालूम है बहुत बड़े मंच का ये बहुत बड़ा सितारा है, तो दूसरी एंड पर आपको सिंगल लेना है और जाना है नॉन स्ट्राइकर एंड पर। लेकिन खराब शॉट सिलेक्शन, दिमाग की बत्ती को नहीं जलाया। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, एक रन तो लिया है, क्या दूसरे के लिए जाएंगे देखने वाली बात। थोड़ी मिसफील्ड का फायदा जरूर उठाएंगे, दो रन तो जरूर मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिट द विकेट, 7 गेंदे और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। एक अच्छा शॉट, एक बार फिर वापसी हो सकती है, एक विकेट की जरूरत है दबाव बनाने के लिए। प्रेम न हो तो सगे संबंध भी बेकार है, पैसा न हो तो पॉकेट बेकार है, और छक्का ना हो तो क्रिकेट भी बेकार है। यहाँ बड़े शॉट की मांग हो रही है, एक तरफ डब्ल्यू बी चाहिए, बैकवर्ड पॉइंट कवर है। इस विकेट बहुत ही सुंदर गेंदबाजी हो रही, लेफ्ट राउंड द विकेट, ये अच्छी गेंद थी। खराब शॉट सिलेक्शन, ऑफ टर्म के बहुत बाहर, गेंद ऑन साइड पर बलवान बनने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बिंदु गेंद आती भी, अच्छा समाप्त किया। 6 गेंदों का खेल अब विशेष और 14 रनों की जरूरत है। ये 8वीं बिंदु गेंद है, एक बार फिर चर्चा जारी रहेगी, गुप्तगू जारी रहेगा। गाने के साथ वापस आते हैं, यू गए और यू आए। रिंकू को मौका मिला है, हैट्रिक का मौका भी है क्योंकि लगातार दो झटके लगे थे। 5वीं और 6ठी गेंद पर क्या तीसरी हैट्रिक बनेगी? हैट्रिक के बारे में अशरफ और प्रमेय ने बहुत बड़ा कारनामा किया, दो हैट्रिक इनके नाम पर है। अब देखते तीसरी हैट्रिक की तलाश, हैट्रिक मिलेगी तो एक बार फिर मौका मिलेगा। लेकिन एक तरफ आकिब को मौका भी मिलना बहुत जरूरी है जो नॉन स्ट्राइकर इन पर है। नए बल्लेबाज भी मैदान पर, सुपियान, 6 गेंदे 14 रनों की जरूरत है। इस ओवर की पहली गेंद, हैट्रिक का मौका, ड्राइव किया, अच्छा शॉट और ये गेंद जाती भी टिकल क्षेत्र की तरफ। तो इसी तरह से अंपायर का इशारा देखेंगे और टिकल क्षेत्र की तरफ जा रही है या नहीं देखने वाली बात। तो भागना पड़ेगा, जब तक कि अंपायर का इशारा ना आए तब तक आपको भागना पड़ेगा। आकिब को स्ट्राइक चाहिए और दो रन तो मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने, एक अच्छा मैच। 5 गेंदे और 12 रनों की जरूरत है। हम जो रनों की अपडेट देख रहे हैं, चौका से आ रही है मनीष सिंह, चंदन और पाटिल सर यहाँ स्कोरिंग कर रहे हैं। एक बार फिर अपनी बोलिंग मार पर गेंदबाजी करने के लिए रिंकू तैयार, राइट टॉप ओवर द विकेट, फुल टॉस, हवा में लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद और इसी तरह से कैच लपक लिया गोम। 4 गेंदे 12 रनों की जरूरत, रिंकू का तीसरा विकेट, देखिए किस तरह से विकेट लिया है। लेग ब्रेक करने की कोशिश और ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑन पर अच्छा कैच जावेद द्वारा। और देखिए ये एक बार फिर है, रिंकू का तीसरा विकेट, जावेद का तीसरा कैच है। जुनेद बहुत ही शानदार फील्डिंग लॉन्ग ऑन पर। गाने के साथ चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू डीजे। 4 गेंदों का खेल अभी विशेष, पहली गेंद पर डबल आया था, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर क्या कहानी है, क्योंकि अब बैटल बनेगा। एक तरफ रिंकू और दूसरी तरफ आकिब, दोनों अपकमिंग खिलाड़ी है, अब आएगा असली मजा, बैटल बनेगा ये। जोहेब नॉन स्ट्राइकर इन पर, 4 गेंदे और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। काफी बाहर गेंद, वाइड का इशारा,
चार गेंदे और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। थोड़ा सा प्रेशर रिंकू के ऊपर, क्योंकि सामने आकीब है, उनको मालूम है ये बहुत बड़े मंच के खिलाड़ी है। इस ओवर की अगली गेंद राइट फॉर द विकेट, काफी बाहर, एक बार फिर आउट के बाहर, वाइड का इशारा। चार गेंदे और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। मजा आता हुआ एक बार फिर बैटल बन रहा है, आकीब है, तब तक मैच ऑन रहेगा, टीवी ऑन रखिए। रन संख्या देखिए, अब चार गेंदों का खेल बचा, चार गेंदे से जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। एक बार फिर वाइट का इशारा, वाइट की हैट्रिक बनती हुई, इससे कप्तान नाखुश होंगे और खुद के गेंदबाज भी। लेकिन अब देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनेगा, चार गेंदे और जीतने के लिए अब 9 रनों की जरूरत है। दबाव बढ़ता हुआ, मंडप वाले जहां कहीं भी है स्टेज के यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट कीजिए आकीब भाई को। वही बात, खराब गेंदबाजी, प्रेशर में आपको बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत है। हरभजन सिंह ने जब 2 विकेट लिए थे, अब गेंदों की अगर बात करें तो 4 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। हरभजन सिंह ने जब 2 विकेट लगातार लिए थे तो वो गांगुली के पास चले गए थे, अब मैं क्या करूं, दबाव था, 19 साल के थे। यही बात यहाँ बन रही है, ये भी छोटे कद के खिलाड़ी है, अपकमिंग है, दबाव है, रन तो इनके पास ज्यादा थे, बैंक बैलेंस था, लेकिन इन्होंने एक बार फिर मैच को बनाया है 4 वाइड से। एक बार फिर देखिए गेंद और अच्छा शॉट, हवा में खिलाड़ी मौजूद और लपक लिया गोल, सब कुछ हो रहा है। वाइड की अगर बात करें तो नेल्सन आंकड़ा आ रहा है 111 का, जो कि आकीब के लिए अच्छा नहीं रहा। देखिए ये किस तरह का शॉट, शॉट तो अच्छा था, ये इनके रडार में गेंद थी, वही शॉट जो उनको चाहिए था, सिग्नेचर शॉट, लेकिन क्या अच्छा हुआ है, विकेट गिरता हुआ। 3 गेंदे 8 रनों की जरूरत। थैंक यू डीजे और पंडाल वाले, प्लीज कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए, मंडप डेकोरेटर्स। तो 3 गेंदों का खेल बचा हुआ, 3 गेंदों में जीतने के लिए अभी भी 8 रनों की जरूरत है। क्रूशियल मैच, बैकवर्ड पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, 111 गेंदे जो कि वाइड से आई है, ये नेल्सन का आंकड़ा था और इस ओवर में 4 बार ये हुआ, नेल्सन आंकड़े पे आकीब का विकेट गिरा है। ये अच्छा शॉट, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर, एक रन तो पूरा किया, दूसरे के लिए जाते हैं जाना, क्या पासिंग बॉल, गेंद बॉल डीलर की तरफ, एक रन पूरा किया, तीसरे के लिए आने की कोशिश करेंगे, भाग मिल्खा भाग, भागने की जरूरत और 3 रन मुकम्मल। 2 गेंदे बहुत महत्वपूर्ण है इस ओवर की, अभी भी अगर देखे तो जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। बीच मैदान पर रोमांच बरकरार है, अगर 4 बनते हैं तो टाई टाई फिनिश करेंगे मुकाबला, अगर टाई होगा तो 1-1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन ये मैच समाप्त करने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज, क्योंकि शुरुआत इनके लिए अच्छी नहीं थी। 2 गेंदे 5 रनों की जरूरत है और थर्ड अंपायर की तरफ भी जा रहे हैं, तो देखते हैं इस बार क्या हुआ है। 2 गेंदे 5 रनों की जरूरत है, बहुत कुछ होने वाला है, क्या ये करीबी मामला होगा तीसरे रन के लिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी जो तीसरी आंख है वो भी देखेगी क्या है। अब मारुति शेट्टी जो कि हमारे ऑफिशियल, इन्होंने इशारा किया है थर्ड अंपायर की तरफ, अब देखते क्या होता है, थर्ड अंपायर इशारा क्या करते हैं, टिक टिक जारी है, 2 गेंदे टिक टिक, और स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल वाली बात है, अंदर की बात है और इसीलिए 2 गेंदे 5, 2 गेंदे 6, 2 गेंदे 5, 2 गेंदे 6, इतना ही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर रन नहीं बनेगा तो ये तो शेयर मार्केट बढ़ने वाला है, रन बढ़ेंगे अगर देखिए, लेकिन एक बार फिर वो स्क्रीन पर आ रहा है। ये करीबी मामला, तेजी से भाग रहे हैं, क्या करीबी होगा, और हाथ में गेंद आई, पीछे मुड़कर देख रहे हैं, लेकिन हाथ में आई है और ये बहुत ही क्रूशियल है, लगाने की कोशिश, और ये बहुत अच्छा एंगल, बहुत ही अच्छा एंगल है, अब ये गेंद नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, एक बार फिर ये नीचे आई और ये अंदर है या बाहर, देखने वाला अंपायर, तीसरी आंख क्या कहती है, देखने वाली बात है, तीसरी आंख की तरफ जाएंगे, तब तक देखते हैं अंपायर का क्या इशारा आता है। नॉट आउट का, जब तक अंपायर का इशारा ना आया,
हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अंपायर का डिसीजन है। काफी क्लोज कॉल, अच्छी अंपायरिंग, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग। जब तक अंपायर का इशारा ना आए, तीसरी आंख ना बोले, तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये अंपायर कॉल्स होता है। एक बार फिर अपनी बोलिंग में दो गेंदे, 5 रनों की जरूरत है। राइट टर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। खराब, यहाँ देखिए टांस लेग स्टंप के बाहर था, वहां गलती हुई। टांस जो है लेग स्टंप के बाहर है, गेंदबाज देखिए बहुत चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहा है। बहुत खराब बल्लेबाजी, विकेट गिरता हुआ। थैंक यू डीजे। एक गेंद और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। अभी भी मैं देखना चाहता हूँ टांस क्या होगा, कहाँ खड़े रहेंगे ये, क्योंकि जिस तरह से आज इनको मौका मिला, खास करके गेंदबाज को, रिंकू ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। बल्लेबाज जावेद है, बैकवर्ड पॉइंट कवर, स्ट्राइक कवर लॉग अप। एक गेंद और 5 रनों की जरूरत है। जावेद भी हीरो बन सकते हैं, रिंकू भी हीरो बन सकते हैं, लेकिन एक हीरो है और एक जीरो है। अच्छा शॉट, सीधे बल्ले से खेला गेंद, तेजी के साथ ट्रैवल, खिलाड़ी मौजूद, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए आना चाहते हैं, लेकिन इसी तरह से रिंकू ने कर दिया कमाल। सेलिब्रेशन मोमेंट फॉर रिंकू, मैग्निफिसेंट, आउटस्टैंडिंग। अरिफ भाई, दोनों टीमों के कप्तान आएंगे टॉस के लिए। और अगला मुकाबला ये रहा, बैंडिवली बैंडिट्स वर्सेस अजीम नगर चैलेंजर्स। दोनों कैप्टन से गुजारिश, टॉस करने के लिए आएंगे और जल्द से जल्द ये मैच चालू करेंगे। बैंडिवली बैंडिट्स वर्सेस अजीम नगर चैलेंजर्स, मैच नंबर 2। अंपायर टॉस के लिए जाएंगे। ऑफिशियल प्लीज, एक ऑफिशियल की जरूरत है। नेक्स्ट मैच कमिंग अप, बांदिवली बैंडिट्स वर्सेस अजीम नगर चैलेंजर्स, सेकेंड मैच ऑफ द डे। अशरफ जी अब टॉस कर रहे हैं। दस द बिग मैच, दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा। टॉस होता हुआ और अजीम नगर वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, दैट्स द न्यूज फ्रॉम द सेंटर। और एक बार फिर जाते हैं, हमारा जो टाइटल सॉन्ग है वहां, यूनाइटेड वेलफेयर एजुकेशन फेडरेशन प्रेजेंट यूनाइटेड जोगेश्वरी प्रीमियर लीग सीजन 2 ग्रैंड कप पावर्ड बाय चंगेज मुल्तानी।